hello students of class 6 how are you all hopefully you all are well and so we have done previous chapter now it's time to start a new poem let's come to poem number 9 and its page number is 103 the poem name is how strange what do you mean by how strange how strange means kitna strange lagta hai kaisa hai right so when we talk about how strange let's see what does it poem

ये अगर हम ये सोचें कि कोई और पहले इस घर में रहता था सो वॉट डज़ इट अबाउट दिस पोएम इज़ अबाउट बेसिकली लाइक किसी घर में पोएट जा रहे हैं कि रहने के लिए राइट right? जैसे लोग रेंट पे रहते हैं ना तो रेंट पे रहने के लिए पहले वो घर की कोई और यूज़ करता था उसके बाद वो रहेंगे या जैसे कि पोएट उसके बाद जब वो पोएट छोड़ देगा वो घर फिर कोई और रहेगा तो कितना स्ट्रेंज लगता है जब हम किसी घर में रहने जाते हैं जब ये सोचते हैं कि इस घर में भी कोई पहले रह चुका है कितनी अजीब सी बात है तो ये पोएम इसी के बारे में है कि कितना अजीब लगता है कि पहले भी इस घर में कोई रह चुका है द अदर पीपल क्लाइंब दी स्टेयर्स एंड टूड ऑन माई बेडरूम फ्लोर मीन्स दिस लाइन सेज दैट कि कोई और पहले इस इन स्टेयर्स पे जा चुका है और कोई और पहले मेरे बेडरूम फ्लोर पे खड़ा हो चुका है ऑल राइट right. मीन्स खड़ा हो चुका है मीन्स इट मीन्स कि uh, कितना स्ट्रेंज लगता है कितना अजीब है ये सोचना कि इस घर में पहले भी कोई रह चुका है और कोई पहले मेरे घर की जो स्टेयर्स हैं इस घर की स्टेयर्स हैं यानी कि सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे कोई क्लाइम कर चुका है कोई खेलता था या कोई आता जाता था इन स्टेयर से यू कैन सी इन द पिक्चर राइट एंड स्टूड ऑन माई बेडरूम फ्लोर मीन्स मेरे बेडरूम के फ्लोर पर कोई खेलता था या कोई बैठा रहता था या कोई खड़ा होता था कोई इस रूम में भी आता था हु वॉज अ चाइल्ड हु वंस स्लेप्ट हेयर कौन पता नहीं क्या कौन होगा वो बच्चा जो यहाँ पहले सो चुका होगा वॉज इट अ गर्ल और अ बॉय क्या पता एक लड़की हो या कोई बॉय हो व्हाट वर द ड्रीम्स दे ड्रेम्ड ड्रेम्ड मीन्स ऐसे क्या ड्रीम्स होंगी उन्होंने यहाँ पे जब सोए होंगे अपने इस बेडरूम में तो उनकी क्या ड्रीम्स रही होंगी क्या उन्होंने सपने देखे होंगे वॉट वॉज दियर फेवरेट टॉय उनका फेवरेट उनका पसंदीदा उनका फेवरेट टॉय क्या होगा हाउ स्ट्रेंज टू थिंक दैट सम वन एल्स विल लिव हेयर वेन आई हेव गॉन कितना अजीब होगा ये सोचना जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसके बाद कोई और रहेगा कितना अजीब है ना ये सोचना कि मैं चला जाऊँगा फिर उसके बाद भी कोई आकर यहाँ पे रहेगा विल नो वन फील माई प्रेजेंस हेयर वैन आई एन द वन हु मूवड ऑन इट मीन्स वो सोच रहे हैं कि क्या कोई स... मेरी प्रेजेंस के बारे में सोचेगा कोई मेरे बारे में सोचेगा कि जब मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँगा मींस जब मैं यहाँ रहने के बाद एक बार यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा उसके बाद जो नए किराएदार आएंगे जो नए रहने के लिए आएंगे यहाँ पे लोग क्या वो मेरी प्रेजेंस के बारे में सोचेंगे कि मैं भी यहाँ पर कभी रह रहा करता था कैसे मैं रहा हूँ क्या मेरे सपने होंगे क्या मैं यहाँ पर मेरे फेवरेट टॉयज़ क्या होंगे या मेरी फेवरेट थिंग्स क्या होंगी लाइक जैसे कि पोएट अभी सोच रहे हैं कि पहले जो घर में रह चुके हैं वो लोग कैसे होंगे कौन होंगे क्या उनके ड्रीम्स रहे होंगे वो वो कितना अजीब लगता है सोचना कि वो यहाँ पे रहे होंगे कोई और यहाँ पे रह चुका है पहले तो क्या कोई और मेरे बारे में ऐसे सोचेगा जैसे जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू इट्स इट्स बेसिकली अ शॉर्ट पोएम एंड इज जस्ट अबाउट हाउ स्ट्रेंज एवरी थिंग लुक्स लाइक कि जब हम होम uh, या घर अपना स्विच करते हैं चेंज करते हैं तो कितना स्ट्रेंज लगता है कितना अजीब लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाना ये सोचना कि uh, पहले कोई यहाँ पर रह चुका होगा या उसके बाद कोई रहेगा या हम कैसे रहेंगे कितनी कितनी स्ट्रेंज थिंग है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर लाइफ की ध्यान दें तो कितनी बातें होती हैं जो बहुत अजीब होती हैं राइट सो ये इसी बारे में थी आई होप इट इज़ क्लियर टू यू